सीरीज ऑफ थ्रीडाइमेंशनल ज्योमेट्री के 8th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्रीडाइमेंशनल ज्योमेट्री पर 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्रीडाइमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले मैं स्ट्रेट लाइन का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में बताया था कि वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। जैसे जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, इस पॉइंट से पास करने वाला एनी लाइन जो इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो इस वेक्टर के पैरेलल इस पॉइंट से पास करने वाला बस एक ही लाइन होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन। इसका वेक्टर इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी। तो ये लेमडा क्या है? लेमडा कोई भी एक स्केलर है, इसको पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर लेमडा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो अगर कोई लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करे जिसका पोजिशन वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लिमडा बी। जहां आर क्या बता रहा है? आर इस लाइन का किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बता रहा है। आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। और अगर इसको आप एक्सप्रेस करना चाहें आई जे के में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जहां एक्स वाई जेड क्या बताएगा? एक्स वाई जेड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आप इतना लिख सकते हैं। तो ये आर जो होता है वेक्टर इक्वेशन में, तो आर बताता है इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। इसी तरीके से मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे, ये लाइन है एक दो पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो अगर इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला बस एक ही लाइन होगा, तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो इसका इक्वेशन होता आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। ये होता है इसका वेक्टर इक्वेशन। इसी तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में मैं बताया हूँ उस वीडियो में। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर आप देखे हैं या जानते हैं पहले से तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मैं यही सबसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस एंड विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस। क्या कहता है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, जो लाइन जो है वो पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज कीजिए इस वेक्टर को बी मान लेते हैं, तो बी इक्वल टू यहाँ पर है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो इस वेक्टर को बी मान रहे हैं और इसी के पैरेलल लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फाइव कॉमा माइनस टू कॉमा फोर। तो एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन इस पॉइंट से पास करता हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर ए। अगर कोई
एक लाइन है जो एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी और वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो देखिए यहाँ पर बी जो है वो वेक्टर तो दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से हम लोग इसका पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो उस पोजिशन वेक्टर को यहाँ पर ए कह रहे थे, ये जो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं उसमें जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए होता है। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जो है वो बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट जहाँ से ये लाइन पास कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये 5, -2, -4 है और इसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं 5i-2j+4k। ये पोजिशन वेक्टर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में ए जो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और बी जिसके पैरेलल होता है वो भी यहाँ पर पता है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2i-j+3k। तो ये दोनों चीज़ पता है इसीलिए हम लोग इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके। तो देखिए देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, जो लाइन दिया हुआ है उसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो आर तो रहने दीजिए, ए का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू है क्या, ए का वैल्यू है 5i-2j+4k और प्लस लेमडा रहने देते हैं और फिर हम लोग बी का वैल्यू पुट करते हैं। तो बी इक्वल टू क्या है, 2i-j+3k। तो ये बी का वैल्यू हो गया, जहाँ पर लेमडा क्या है, वेयर लेमडा इज ए पैरामीटर, एक स्केलर होता है इसको पैरामीटर भी कहते हैं। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, हम लोग को वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है। फिर आगे कहता है ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेजियन फॉर्म, इसको कार्टेजियन फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। तो कार्टेजियन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं जरा समझिए, ये जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में आर का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आर जो है वो उसको आप लिख सकते हैं xi-YJ+ZK। ये आर क्या बताता है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताता है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो आर, तो आर इक्वल टू xi-YJ+ZK लिखेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, तो पुट दिस इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा xi-YJ+ZK और यहाँ पर है 5i-2j+4k प्लस लेमडा और 2i-j+3k है। अब आप इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आते हैं दोनों से i कॉमन आ जाएगा, तो आई कॉमन आ जाएगा, तो x-5i यहाँ से और यहाँ से j कॉमन ले लेते हैं, तो y+2j और फिर ये दोनों से k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये इधर ला रहे हैं तो z-4 k और यहाँ पर लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो 2λ i-λ j+3λ k। अब क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए, दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई जे के और के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i, j, k वी गेट, तो आई जे और के का कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है x-5 और वहाँ पर है आई का कोएफिशिएंट 2λ। यहाँ पर आप देखिए जे का जो कोएफिशिएंट है y+2 है और यहाँ पर जे का जो कोएफिशिएंट है वो -λ है, यहाँ पर के का कोएफिशिएंट z-4 है और वहाँ पर के का कोएफिशिएंट 3λ है। अब लेमडा यहाँ पर रहने दीजिए, 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो x-5 / 2 = λ,
यहाँ से भी माइनस वन को इधर ले आइए, वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन इक्वल टू लिमडा, और यहाँ से जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू लिमडा, थ्री से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये सभी जो है वो लिमडा के इक्वल है, ये भी लिमडा के इक्वल है, ये भी लिमडा के इक्वल, ये भी लिमडा के इक्वल, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो देयर फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, किसका, लाइन जो दिया हुआ था उसका, और ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। Therefore, this is the required Cartesian equation of given line. ये जो equation आया है वो line जो दिया हुआ था उसका Cartesian equation निकल गया। तो इस line का हम लोग दोनों equation निकाल लिए, एक vector equation निकाल लिए, ये जो आया है वो vector equation है और ये है Cartesian equation। तो Cartesian equation ये क्या show कर रहा है, आप लोग को मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि अगर कोई लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन से, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, अगर लाइन फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी होता है। जहाँ पर ए बी सी क्या बताता है, ए बी सी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताता है और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या बताता है, जहाँ से ये पॉइंट पास कर रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो टू माइनस वन और थ्री हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो फाइव है माइनस टू और फोर इससे कंपेयर कीजिए, एक्स वन का वैल्यू फाइव हो जाएगा, y1 का वैल्यू माइनस टू हो जाएगा और z1 का वैल्यू फोर हो जाएगा। तो 5 माइनस टू और 4 पॉइंट हो गया जहां से ये लाइन पास कर रहा है। तो ये दो चीज़ बता रहा है कि इस पॉइंट जहां से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट यहां से पता चल जा रहा है, और ये जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में वो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2, -1 एंड पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट आर 2, 1, 1। इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन है जो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा दो पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1, और दूसरा पॉइंट जहां से पास कर रहा है वो बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, 1। वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो कैसे निकालेंगे, मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर दो पॉइंट से लाइन पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, फिर बाद में कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। इसको हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए मान रहे हैं और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी मान रहे हैं। तो देखिए, लेट ए इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट का जो भी पोजिशन वेक्टर होगा उसको ए मान रहे हैं, एंड बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर मान रहे हैं। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, ए पॉइंट पता है तो इसका पोजिशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट अगर पता है तो पोजिशन वेक्टर कितना होगा, इसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा आई प्लस टू जे माइनस के, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, और इसी तरीके से बी का भी पोजिशन वेक्टर, तो बी का पोजिशन वेक्टर को विक्टर बी माने हैं, तो विक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वेक्टर्स ए एंड बी, अगर कोई लाइन ऐसे दो पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजिशन वेक्टर ए और बी है तो उस लाइन का इक्वेशन ये होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लिमडा बी माइनस ए, जहाँ पर लिमडा क्या है, एक स्केलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, किसका किसका वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग को पता है, बी का वैल्यू पता है, जहाँ से पास कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर ए और बी है, ए और बी का दोनों का वैल्यू पता है, तो हम लोग पुट कर देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफोर वेक्टर इक्वेशन, ये जो निकलेगा वो वेक्टर इक्वेशन होगा। तो देयरफोर वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या होगा,
आर इक्वल टू ए, ए का वैल्यू पुट करते हैं, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप और प्लस लेमडा, लेमडा एक स्केलर है जिसको पैरामीटर भी कहते हैं, और फिर बी का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर पहले बी का वैल्यू लिखते हैं, बी का वैल्यू है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस ए लिखते हैं। तो ए का वैल्यू है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आर इक्वल टू यहाँ पर आई प्लस टू जे कैप प्लस माइनस के कैप रहने देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए 2i में i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i हो जाएगा, फिर j में 2j को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस j, और k में माइनस और फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो k प्लस k 2k हो जाएगा। तो ये किसका इक्वेशन निकल गया, ये वेक्टर इक्वेशन निकल गया, इस लाइन का ये वेक्टर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है, तो मैं अभी एक सवाल बताया था उसमें वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस किए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट करके और इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। और एक दूसरा तरीका डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, जब दो पॉइंट्स पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पता है तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि क्या आप करना चाहते हैं। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए आप रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट, इससे भी आप उसको खुद कर सकते हैं। मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म में जो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, दो पॉइंट है, मान लीजिए एक लाइन है जो दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन और इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन। तो ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग डायरेक्ट इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखिए, देयरफॉर या अगेन हम लोग लिख रहे हैं, अगेन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला में पुट कीजिए, आप इसको एक्स वन वाई वन जेड वन सपोज कर लीजिए, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू सपोज कर लीजिए, तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू वन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू में एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना है टू में वन को, और वाई माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू टू है और डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है वन माइनस टू, और जेड माइनस जेड वन, जेड वन का वैल्यू यहाँ पर माइनस वन है और खुद यहाँ पर माइनस पहले से है, जेड वन का भी वैल्यू माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन, वन माइनस और खुद माइनस है तो वन प्लस वन हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन और जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये जो नीचे आ रहा है डिनोमेटर में वन माइनस वन और टू जो आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो हम लोग दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का, जो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, उसका वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं या फिर कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर दिस, ये जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन है, तो फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। अभी हम लोग इसके पहले जो सवाल बनाए थे वो वेक्टर इक्वेशन निकाले थे, उसको फिर कार्टेशियन में रिड्यूस किए थे, तो वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे रिड्यूस करते हैं वो तो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। जैसे ये एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ही है और इसको फिर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में भी रिड्यूस करना है और साथ में डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है, दो काम करना है, डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है और वेक्टर फॉर्म भी निकालना है इसका। तो आप देखिए कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है लाइन का, वो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय सी। तो ये कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऐसा लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो एक फिक्स्ड
फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये एक ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस फॉर्म में अभी लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लोग ऐसा सेट करेंगे ताकि इस सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाए। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, x, y और z का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो ऐसा सेट करेंगे कि ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए और x, y, z का कोएफिशिएंट भी यूनिटी हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू ए वाई प्लस बी और फिर z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, दो अलग अलग इक्वेशन बना दिया है। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन सकता है। तो ये दो इक्वेशन बनाया है, अब इसको हम लोग इसी फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए कैसे लाएंगे, b को आप इधर ले आइए, दैट इज x माइनस बी इक्वल टू ए वाई, और यहाँ पर भी d को आप इधर ले आइए, z माइनस डी इक्वल टू सी वाई। अब y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर a है, यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट c है, जबकि होना क्या चाहिए इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो कैसे लाएंगे, हम लोग दोनों साइड a से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस बी डिवाइडेड बाई a, यहाँ पर भी a से डिवाइड कर देते हैं तो y हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग c से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, z माइनस डी डिवाइडेड बाई c, और यहाँ c से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। तो देखिए ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस बी इक्वल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई, एंड ये y जो है वो z माइनस डी डिवाइडेड बाई c के भी इक्वल है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो x माइनस बी डिवाइडेड बाई इक्वल टू, इसको देखिए इसको लिखते हैं y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन, और यहाँ z माइनस डी डिवाइडेड बाई c रहने दीजिए। तो अब देखिए ये सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया, ये जो फॉर्म था उसी फॉर्म में आ रहा है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी आ रहा है, सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो एक ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से, उसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, ये x1, y1, z1 बताता है जहाँ से पास करता है उसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x1, y1, z1 की जगह क्या है, b है, 0 है और d है, b, 0 और d, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो बताता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में a, 1 और c है, इसका डायरेक्शन रेशियो a, 1 और c के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बता रहा है जो इस पॉइंट से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो a, 1 और c के पैरेलल है। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को दो चीज़ निकालना था यहाँ पर, एक निकालना था डायरेक्शन रेशियो कि फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है, तो दिस शोज दैट द गिवन लाइन पासेज थ्रू ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर बी कॉमा जीरो कॉमा डी, एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट बी कॉमा जीरो कॉमा डी है, एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ए वन सी, ए वन सी के पैरेलल है इसका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना था वो तो निकल गया, ए वन सी है। अब हम लोग को इसका वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं जरा समझिए। तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म दिस मीन्स दैट द लाइन पासेज थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर ए। देखिए ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं, तो इसका पोजिशन वेक्टर को ए मान रहे हैं, तो बी आई प्लस जीरो जे प्लस डी के हो जाएगा इसका पोजिशन वेक्टर, एंड पैरेलल टू, ये जो लाइन है वो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर है ए वन सी, यानी कि ये एक अगर किसी वेक्टर के पैरेलल है, अगर ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो ए कॉमा वन कॉमा सी होगा। ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, अगर मान लीजिए वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर होगा। तो वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि पैरेलल टू ये वेक्टर बी हुज विच इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी कैप, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी कैप, ये कोएफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन रेशियो को बताता है। तो अब जरा समझिए कि ये पता चल गया कि जो ये लाइन जो है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर पता चल गया, जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का वैल्यू पता चल चुका है। अब इसका हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, तो देयरफोर
विक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, विक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ है उसका विक्टर इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जहाँ पर लेमडा एक स्केलर होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर लेमडा इज ए स्केलर, वेयर लेमडा इज ए स्केलर। अब आगे देखिए, आर तो रहने देते हैं और ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, बी आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस डी के कैप और प्लस लेमडा बी, बी का वैल्यू भी बैठा देते हैं तो ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। अब जरा एक कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी ए बी वगैरह दिया हुआ है तो इसका भी पोजीशन वेक्टर हम लोग ए और बी माने वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर भी ए है और इस वेक्टर को भी ये मान रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग एन कर देते हैं और इसको कर देते हैं एम। तो यानी कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एन और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर हो जाएगा एम। तो वैसे केस में इक्वेशन होगा आर इक्वल टू एन प्लस लेमडा एम, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे आप पहले जो लिखे थे उसको भी लिख सकते हैं लेकिन चेंज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ए दो जगह हो जाएगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन रेशियो है और फिर वेक्टर को भी हम लोग ये मान रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर को भी, तो वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज कर दिए एन और एम कर दिए। तो ये हो गया किसी कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं और डायरेक्शन रेशियो वगैरह कैसे निकालते हैं अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, और ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर हो। जरा समझिए, जैसे ये एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन ये लिखा हुआ है और एक पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 3, 3। अब इस लाइन पर कई पॉइंट है तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट है उसका यहाँ से डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर अगर पॉइंट ले लेते हैं इसका डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं इसका डिस्टेंस निकालें, सभी का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ऐसा पॉइंट निकालना है ताकि उसका जो डिस्टेंस होगा इस पी पॉइंट से 5 यूनिट्स हो, कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक ऐसा पॉइंट इस लाइन पर निकालना है जिसका यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका इस लाइन का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। तो कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे जरा समझिएगा कि ये जो है वो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन यही दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले लेमडा मान लेते हैं। तो लेमडा मान लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, देखिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू लेमडा, फिर ये भी लेमडा होगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू भी लेमडा होगा और z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू भी लेमडा होगा। लेमडा एक स्केलर है, इसको हम लोग मान लिए। अब जरा समझिए कि इस लेमडा को पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब बताए थे तो यहाँ पर कहते थे पैरामीटर। अब देखिए यहाँ से 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 प्लस 3 लेमडा हो जाएगा। यहाँ से इसी तरीके से y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 लेमडा और यहाँ से z इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्लस 2 लेमडा लिख सकते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 प्लस 2 लेमडा। एक्स वाई जेड क्या बताता है, ये जो लाइन है लाइन का इक्वेशन उसमें एक्स वाई जेड क्या बताता है, एक्स वाई जेड इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। तो इस लाइन का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन के इक्वेशन को 1 कर दिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट आर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 लेमडा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 प्लस 2 लेमडा। लेमडा का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट निकलेगा, लेकिन जो भी पॉइंट आएगा वो इसी लाइन का कोऑर्डिनेट को बताएगा। तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है इसी का निकालना है, तो इसका हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट क्यू मान लेते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट क्यू मान लेते हैं। लेट क्यू बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द लाइन, लेट क्यू बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द लाइन, हम लोग लाइन पर जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो उसको हम लोग Q सपोज कर रहे हैं। तो Q का भी कोऑर्डिनेट हम लोग इतना मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है
कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो क्यू भी तो इसी पर है, तो क्यू का भी कोऑर्डिनेट हम लोग ये लिख सकते हैं, लेमडा के किसी ना किसी वैल्यू के लिए क्यू का कोऑर्डिनेट जरूर रिप्रेजेंट करेगा ये। तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर हम लोग कोऑर्डिनेट क्यू का लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2 + 3 लेमडा, और y कोऑर्डिनेट -1 + 2 लेमडा, और z कोऑर्डिनेट 3 + 2 लेमडा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स के बराबर है, पी क्यू डिस्टेंस 5 यूनिट्स दिया हुआ है। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करते हैं तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये पी क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। तो पी क्यू कैसे निकलता है, पी क्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला से, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 + 3 लेमडा, x1 हो गया -x2 के जगह 1 इसका होल स्क्वायर, और प्लस y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट देखिए -1 + 2 लेमडा, और फिर यहाँ पर है 3 इसका होल स्क्वायर, और फिर z कोऑर्डिनेट, तो z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे 3 + 2 लेमडा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट 3 इसका होल स्क्वायर होता है। तो ये होता है पी क्यू, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो रूट अंडर नहीं होगा, रूट अंडर नहीं होगा ये, और इक्वल टू 25। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर छूट गया जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ 3 लेमडा रहने दीजिए, -2 - 1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 लेमडा रहने देते हैं, और -1 - 3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ +3 - 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 25। अब इसको सिंप्लीफाई करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, 9 लेमडा स्क्वायर +9 - 3 = 9 - 9 = 18 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेमडा स्क्वायर +16 - 4 = 8 + 16 - 16 लेमडा, और यहाँ पर 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए 9 लेमडा स्क्वायर +4 13 लेमडा स्क्वायर +4 17 लेमडा स्क्वायर हो गया, और -18 लेमडा -16 14 और -34 आ रहा है 34 लेमडा, और फिर 9 है यहाँ पर कांस्टेंट, और 9 + 16 25, और इधर भी क्या है, इधर भी 25 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो बच रहा है लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा का दो वैल्यू निकल रहा है, 0 और 2 निकल रहा है, तो लेमडा का दो वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q आर, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 - 1 और 3, तो यहाँ पर -2 - 1 और 3, एंड दूसरा आएगा 2 पुट करने से, तो 2 पुट करने से देखिए 3 × 2 = 6 में हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 आ रहा है, 2 पुट करते हैं तो 2 × 4 और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ रहा है, और 2 × 4 4 + 3 = 7 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये दो पॉइंट कैसे पॉसिबल होगा, इस लाइन पर ऐसा दो पॉइंट निकल गया जिसका यहाँ से डिस्टेंस 5 है, तो ये भी पॉसिबल होगा, देखिए आप कैसे पॉसिबल होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, एक पॉइंट इधर होगा जहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए आर, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा 5 यूनिट होगा इस दिए हुए पॉइंट पर, तो यहाँ पर दो पॉइंट पॉसिबल होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस लाइन पर है या नहीं, ये दोनों का कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन के इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं, और फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट इसका और इसका डिस्टेंस 5 यूनिट है या नहीं, इसका इसका डिस्टेंस 5 यूनिट है या नहीं, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ सवाल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना फीडबैक लिखें। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।